एक विकास की ओर जाती है और एक विनाश की ओर जाती है। हम सटना पड़ेगा मुझे, आप चुनना है आपको है कि एक प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो घुसकर आतंकवादियों को मारता है, वैसा प्रधानमंत्री चाहिए या संसद में आंख मारने वाला जोकर चाहिए आपको, ये तय करना है आपको है। आज जो यहाँ के प्रत्याशी हैं विपक्ष के एनडी गठबंधन के, वो भी बेल पर हैं, जो आज घूम रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए युवराज, वो भी बेल पर हैं, और जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं वो भी बेल पर हैं। मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहता हूं, लोग बहुत समाज की चिंता करने की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस टाइम हम जंगल राज के आतंक से लड़ रहे थे तो उस टाइम ललन बाबू ही ऐसे शख्स थे जो नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधे मिलाकर साथ में लड़ने का काम किया। हाल में सिद्धुआरी का घटना हुआ, हमारे समाज के चार लोग मारे गए, बहुत सारे नेता गए वहां पर काफिला के काफिला लेकर, लेकिन कुछ को किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बड़े भाई ललन बाबू ने दिल्ली में बैठे ही बैठे सारे लोग को स्पीडी ट्रायल कराकर और सबको सजा दिलाने का काम किया। ये बोलते नहीं हैं, सिर्फ करना जानते हैं, और पिछली बार भी हम लोग इन्हीं की बातों में आकर के हम लोग इनको चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जिताने का काम किया, क्योंकि हमारे नेता का मान स्वाभिमान की बात है। आज लोग समाज के नेता बनते हैं, लेकिन समाज के जब बात आती है तब वो लोग खड़े नहीं होते हैं, किसी भी मुसीबत में अगर खड़े कोई मिलता है तो ललन बाबू ही हैं। अब मैं बड़े भाई ललन बाबू से आग्रह करता हूँ, आए और अपनी बातों को रखें।